So, good morning everyone. Welcome to Unacademy Studios Pledge, एक ऐसा platform जो बनाता है आपकी MPPSC और व्यापम की तैयारी को और भी बेहतर और हमारी शानदार सी टीम Unacademy Studios Pledge की पूरी कोशिश में है कि आपकी जो MPPSC की तैयारी वो बहुत ही अच्छे से हो सके और soon आपके लिए जो है MCQ series start होने वाली है by Unacademy Studios Pledge team. आपको कंप्लीट सिलेबस के एमसीक्यूज मिलेंगे, अलग अलग स्पेशल एजुकेटर्स अलग अलग एमसीक्यूज आपको कराएंगे. सो नो नीड टू वरी, जस्ट बी विद अस, बी विद अनअकैडमी स्टूडियोज प्लैच अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए. आज का विषय जो है, आज का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से MPPSC में क्वेश्चन आए ही हैं. नेपा नगर पेपर मिल और ऐसे सारे क्वेश्चन जो है BHEL के बारे में आए हैं MPPSC में और आगे भी आ सकते हैं. आज का टॉपिक क्या है, मध्य प्रदेश में उद्योग, दैट इज इंडस्ट्रीज इन मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में उद्योगों को लेकर मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है, कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, कितने प्रकार के उद्योग हैं मध्य प्रदेश में, कितने प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं, ये सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले. उससे पहले जितने लोग भी आ चुके हैं, सबसे पहले साधना जी काफ़ी जल्दी आ गई थी, तो साधना जी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग विशाल जी, UPSC टॉपर जी, हेलो. अरुण जी गुड मॉर्निंग, प्रिया जी गुड मॉर्निंग, शुभम मिश्रा जी गुड मॉर्निंग एंड शिवांशु जी गुड मॉर्निंग. सो आज हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश में उद्योग, दैट इज इंडस्ट्रीज इन मध्य प्रदेश. उसके पहले जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, तो मेरा नाम राजुल श्रीवास्तव है. आप रोज मेरे साथ पढ़ते हो मंडे से संडे 11 बजे मध्य प्रदेश का GK, 2 बजे GS के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और 4 बजे MPPSC के प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व, जिसमें 2013 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं. इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी के लिए ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप. बस ऐप को इंस्टॉल कर MPPSC और व्यापम कैटेगरी सेलेक्ट करना है एंड देन सर्च करना है राजुल श्रीवास्तव. मुझे आप इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हो. मेरे जितने भी कोर्सेज हैं उन सारे कोर्सेज की आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बस करना क्या होगा, बस मुझे फॉलो करना होगा. ओके, इसके अलावा जैसा मैंने अनाउंसमेंट करी थी कि अनअकैडमी प्लस पर ढेर सारे कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, अलग अलग एजुकेटर्स के टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम आ रहा है उसमें बहुत ही मददगार होंगे. और ना सिर्फ प्रीलिम्स में, यदि मेंस से इंटरव्यू तक की भी तैयारी करना चाहते हो सो आप प्लस सब्सक्रिप्शन जल्द से जल्द ले लीजिए. मेरा जो कोर्स है वो 23 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है, शाम 5:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक. ये सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है. मेंस की कंप्लीट तैयारी प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की 12 महीने वाले सब्सक्रिप्शन में होगी. इसमें आपको राजुल लाइफ कोड यूज करना है जो आपको दिलाएगा 10% का डिस्काउंट. ओके, सो 23 तारीख यानी सोमवार से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से पार्ट ले लीजिए. चलिए स्टार्ट करते हैं हम मध्य प्रदेश में उद्योग, दैट इज इंडस्ट्रीज इन मध्य प्रदेश. जनरली ये टॉपिक आप लोग नहीं पढ़ते हो, आप लोग सिर्फ ज्योग्राफी और हिस्ट्री पकड़ के रह जाते हो मध्य प्रदेश की, आगे की आप बात ही नहीं करते हो. मध्य प्रदेश में उद्योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है. जी हाँ शुभम मिश्रा जी, लेट्स क्रैक इट. चलिए समझते हैं कैसे. तो देखो, मध्य प्रदेश जो है 8 मिनरल रिच स्टेट्स में से एक है. भारत के कुल 8 मिनरल रिच स्टेट्स हैं, जिनमें से एक क्या है, मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में एबंडेंस है, भरे पड़े हैं मिनरल रिसोर्सेज की बहुतता है. मध्य प्रदेश 4th स्टेट है जो फेमस है मिनरल्स के लिए. ओके, 4th स्टेट है फेमस है मिनरल के लिए. पहला कौन सा है, तो पहला है वेस्ट बंगाल, दूसरा है झारखंड और तीसरा है उड़ीसा. तो देखो, भारत में कुल 4 स्टेट ऐसे हैं जिनमें मिनरल्स यानी खनिजों की बहुतता है, मिनरल्स का अबंडेंस है. ओके, इन चारों में से मध्य प्रदेश का 4th रैंक है. ओके, 4th नंबर पर आता है मध्य प्रदेश. आप बात करो कि सबसे ज्यादा मिनरल किस स्टेट में पाए जाते हैं, तो वो है वेस्ट बंगाल, दूसरे नंबर पर है झारखंड और तीसरे नंबर पे है उड़ीसा. इनके बाद फिर 4th नंबर पर आता है मध्य प्रदेश. अब देखो, बेसिक सी बात है कि देखो इंडस्ट्रीज जो है वो किन चीजों पे डिपेंडेंट है. आप उद्योगों की बात करो, आप इंडस्ट्रीज की बात करो, तो इंडस्ट्रीज कैसे बनती है, क्यों बनती इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज एक उद्योग होता है, ठीक है. उद्योग कब होगा, जब एग्रीकल्चर रिसोर्सेज होंगे हमारे पास, तो वो तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है. दूसरी चीज,
एग्रीकल्चर और कैसे हो सकता है, तो जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेस होंगे उनसे होगा एग्रीकल्चर, उनसे होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन, उनसे होंगे उद्योग, तो फॉरेस्ट रिसोर्सेस यानी वन उत्पादों से होंगे। और तीसरी चीज मिनरल्स, यदि मिनरल्स हैं आपके पास तो भी आप उद्योग कर सकते हो। तो मध्य प्रदेश के पास तो ये तीनों चीजें बहुतता में है कि एग्रीकल्चर भी है भाई, फॉरेस्ट रिसोर्सेस भी है, मिनरल्स भी भरे पड़े हैं। ओके, समझते हैं आगे की बातें। तो देखो, ये सारी नेचुरल रिसोर्सेस से मध्य प्रदेश भरा पड़ा है, पर फिर भी मध्य प्रदेश जो है इंडस्ट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू से उद्योगों के क्षेत्र में कहीं ना कहीं पीछे है, बैकवर्ड है। नाउ बैकवर्ड होने का कारण क्या हो सकता है? तो कुछ चार कारण मैंने यहाँ मेंशन करे हैं कि बैकवर्ड होने के कारण क्या है। कि जब सब कुछ है हमारे पास, सामान भी है आपके पास, रॉ मटेरियल भी है, मतलब इतना समझो कि आपके पास सारे इंग्रेडिएंट हैं, फिर भी क्या रीज़न है कि आप खाना नहीं बना पा रहे हो? ऐसे ही क्या रीज़न है कि मध्य प्रदेश के जो उद्योग हैं इतने ज़्यादा डेवलप नहीं है? तो हमारे पास देखो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरी चीज़ हमारे पास वित्त की कमी है, फिनेंस की कमी है, तो लैक ऑफ फिनेंस रिसोर्सेज। दूसरी चीज, हमारी जो साइंटिफिक स्किल्स हैं उतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है, तो लैक ऑफ साइंटिफिक स्किल्स। और चौथी चीज, मध्य प्रदेश के पास कहीं ना कहीं अदर राज्यों की कंपैरिजन में उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए काफ़ी विविधता आती है इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन में मध्य प्रदेश में। ओके, चलिए जितने लोग भी आ चुके हैं भाई सभी को हेलो, समझते चलना, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बोरिंग है, यदि मानोगे बोरिंग तो बोरिंग है, नहीं मानोगे तो बिल्कुल बोरिंग नहीं। देखते हैं आगे। आप मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 52 जिले हैं, 52 डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में। ओके, तो सेंट्रलाइजेशन जो मध्य प्रदेश में, देखो मध्य प्रदेश में इतने सारे जिले हैं, 52 जिले हैं, एरिया वाइज भी मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है। पर प्रॉब्लम क्या है एमपी के साथ कि एमपी के सारे जिलों में, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो नहीं है, वो कुछ ही स्टेट तक, कुछ ही डिस्ट्रिक्ट तक लिमिटेड है, जैसे भोपाल में है, ग्वालियर में है, इंदौर में है, जबलपुर में है, धार में है, कटनी में है, सिर्फ इन जगहों पर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। और यदि आप बात करो इंडस्ट्रीज की मध्य प्रदेश में, तो 5.24% इंडस्ट्रीज हैं पर 1 लाख पीपल। आप सोचो 1 लाख लोग हैं और पर 1 लाख लोगों पर 5.24% ही इंडस्ट्रीज हैं। तो क्या होगा, जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है मध्य प्रदेश का इंडस्ट्रियल सेक्टर में, वो कितना है? 8.37 है। ओके, कितना है? 8.37% है। मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर आता है भारत में पूरे इन्वेस्टमेंट के मामले में। किस मामले में? इन्वेस्टमेंट के मामले में। वाइल इट इज 7th इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के मामले में कौन से नंबर पर आता है? 7th नंबर पर। क्वेश्चन क्या बन सकता है प्रीलिम्स में कि मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर रैंक क्या है एमपी का? आप क्या आंसर करोगे? 7th रैंक। ओके, ये सारी बातें थी। और डूइंग बिजनेस रिलीज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, सो इस नंबर पर एज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश जो है वो 7th नंबर पर है। कुछ आगे चीजों की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट हमारे एग्जाम ओरिएंटेड चीजों की। तो वन वर्ड जी, हेलो हेलो सरिता जी, चलिए टेक्नोलॉजी की कमी तो है इंडिया में, करेक्ट, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज की, कि मध्य प्रदेश में कौन से इंडस्ट्रीज सेंटर हैं, इंडस्ट्रीज उद्योगों के विकास केंद्र कौन से हैं मध्य प्रदेश के, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कौन से। तो देखो भोपाल में है सबसे पहले, तो भोपाल में इंडस्ट्रियल सेंटर कौन से, एक तो है गोविंदपुरा, ओके, बगरौदा, पिपलानेर और अचारपुरा, ये भोपाल के हैं। ओके, रायसेन के इंडस्ट्रियल क्षेत्र कौन से हैं? तो रायसेन के इंडस्ट्रियल केंद्र हैं मंडीदीप और विल्काहारी। देवास का है नेगावार। हरदा में हरदा ही है इंडस्ट्रियल केंद्र। उज्जैन में है नजरपुर। ओके, राजगढ़ में है पीलूखेरी कहाँ पर है? राजगढ़ में है। मुरैना में फेमस है बानामौर।
बानामौर केंद्र जो है वो उद्योगों के विकास के लिए काफी प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में। ऑल राइट, चलो, भिंड में क्या है? मालनपुर। पन्ना में क्या है? पुराइना। पन्ना आपको पता ही है, हीरो के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, तो क्षेत्र कौन सा है? पुराइना क्षेत्र। रीवा में क्या है? उद्योग विहार और बुद्ध। सतना में है मैहर और वगाहा क्षेत्र। धार में है पीथमपुर क्षेत्र। कहाँ आता है? धार में आता है। झाबुआ में आता है मेघनगर। ओके, मंडला में आता है मनेरी क्षेत्र, जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर है। छिंदवाड़ा में आता है बोरेगांव, ये भी एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर है। सागर में आता है सिद्धगांव। ओके, और चैनपुरा जो कि कहाँ आता है? गुना में आता है। ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर हैं। और आप बात करो कि मध्य प्रदेश में टोटल कितने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर हैं? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर कितने हैं टोटल एमपी में? तो ये है टोटल 31। ओके, आगे के देखते हैं। यहां से इनको देखो, प्लीज पढ़ के रखना। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आमना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? आंसर क्या मार्क करोगे? दमोह जिले में है। ओके, बुधौरा। बुधौरा कहाँ पर है? शिवपुरी में है। बरगवा और बैधान कहाँ पर है? सिंगरौली में है। बागसपुर नरसिंहपुर में है। प्रतापपुरा टीकमगढ़ का औद्योगिक विकास केंद्र है। चंद्रपुरा छतरपुर में है। ओके, विदिशा जमवार बागरी में है। बंडोल चिउनी में है। जावरा रतलाम में है। किरणपुरा क्षेत्र जो है ये औद्योगिक विकास केंद्र है बालाघाट का। बिदैरा दतिया का है। ओके, मक्सी शाजापुर का है। मक्सी, ये बिल्कुल पढ़ लेना अच्छे से, जो मैं पढ़ा रही हूँ प्लीज इसे बिल्कुल मिस मत करना। मोरवन, ये कहाँ पर है? खंडवा का औद्योगिक विकास केंद्र है। और भावसिंहपुर कहाँ पर है? नीमच में है। तो ये टोटल 31 औद्योगिक विकास केंद्र हैं। अच्छे से एक मैप बनाना, प्रैक्टिस करना, उस मैप में ये जैसे दमोह है तो वहां पर लिखना आमना, ऐसे एरो करके पूरे 31 लोकेट कर लेना। और यदि नहीं बनेगा तो मुझे बताना, तो मैं स्पेशल क्लास लेकर आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर करा दूँ। जी बिल्कुल, आगे हम बिल्कुल पढ़ेंगे वन वर्ड। जी आगे जब हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट वाइज पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी कि ये एरिया किस चीज के लिए फेमस है। अभी इतना जरूरी है कि कौन सा एरिया कहाँ पर है उतना याद रखो, ठीक है? चलो, हेलो एवरीवन, गुलशन जी हेलो। यूपीएससी टॉपर को सेशन अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है। एंड गुड मॉर्निंग विशाल जी। चलो अब हम बात करते हैं, कुछ मेन कॉम्प्लेक्स है। ओके, कुछ प्रमुख कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनकी बात कर लेते हैं। तो जैसे देखो, देवास में क्या है? तो देवास में है लेदर कॉम्प्लेक्स। सागर, सागर में क्या है? तो सागर में है स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स। इंदौर, इंदौर में क्या है? इंदौर में है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स। प्रीलिम्स पे क्वेश्चन किस प्रकार का बन सकता है कि वेयर इज द इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स इन मध्य प्रदेश? आंसर क्या मार्क करोगे? इंदौर। ओके, एग्रो टेक्सटाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में है। ओके, रेडीमेड कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? इंदौर में है और परदेशीपुरा क्षेत्र में है। फार्मा पार्क कहाँ पर है? तो ये वेतमा धार में है। फार्मा पार्क कहाँ पर है? वेतमा धार में है। ओके, प्लास्टिक पार्क तमोत रायसेन में है। क्या? प्लास्टिक पार्क। क्वेश्चन आया कि मध्य प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहाँ पर है? आंसर क्या करोगे? रायसेन। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। चलो अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की सेक्टर वाइज पहली इंडस्ट्रीज कौन सी है। अलग अलग सेक्टर है, सेक्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर सेक्टर वाइज पहली इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, कहाँ पर है और कब बनी? ओके, ऑलराइट। सो
इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले शुगर इंडस्ट्री आई थी मध्य प्रदेश में, नहीं मध्य प्रदेश की सबसे पहली शुगर इंडस्ट्री कहाँ पर है, तो ये है जावरा रतलाम में, और ये कब बनी थी, तो ये बनी थी 1934 में। फिर पहली कॉटन मिल, मध्य प्रदेश की पहली कॉटन मिल कहाँ पर बनी, तो ये बनी बुरहानपुर में, और कब बनी, तो ये बनी 1906 में, 1906 में। मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट प्लांट, मध्य प्रदेश का पहला सीमेंट प्लांट ये कहाँ पर है, तो ये देखो ये बनमौर क्षेत्र है मुरैना रीजन का। मुरैना रीजन कहाँ आता है, नदन मध्य प्रदेश में आता है, उत्तरी मध्य प्रदेश में आता है, और मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, वो है क्या, मुरैना, और मुरैना में ही आता है बनमौर क्षेत्र जहाँ पर मध्य प्रदेश का पहला सीमेंट प्लांट डला। ओके, और ये कब बना, 1922 से 1923 में बना। मध्य प्रदेश का पहला पेपर मिल कौन सा है, तो वो है नेपा नगर पेपर मिल। कहां पर आता है ये, बुरहानपुर क्षेत्र में आता है, क्षेत्र की बात कर रही हूं मैं। ओके, तो ये साउथ मध्य प्रदेश के सदर्न रीजन में आता है, और 1948 में बना है नेपा नगर पेपर मिल। जीवन वर्ड जी, आप ऐसा करो, आप अभी टॉपिक यहाँ पर पढ़ लो, मैं अपडेट कर दूंगी, एक स्पेशल क्लास क्रिएट करूंगी, कल कर देती हूँ, कल संडे है, कल आराम से एक स्पेशल क्लास क्रिएट कर देती हूँ। इस हफ्ते मैंने आपको MPGK के जितने टॉपिक पढ़ा है, जितने भी इस हफ्ते हमने MPGK के टॉपिक पढ़े हैं, वो सारे कल मैं मैप में लोकेट करा दूंगी, डन ना, मैं अपडेट कर दूंगी आप लोगों के साथ। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे, जैसा हमने स्टार्टिंग में बात करी कि मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले, 52 जिलों में से कुछ ही क्षेत्र हैं जहाँ पे इंडस्ट्री सबसे ज्यादा है, जिन्हें कहा जाता है डेवलप्ड क्षेत्र, और दूसरे होते हैं अनडेवलप्ड क्षेत्र और अंडर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट। तो अब हम उनको देखते हैं। ओके, सो इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, सबसे पहले बात करते हैं हम डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट। तो डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट तो पहले भी पढ़ चुके हो, कौन से ये तो क्लियरली आपको पता ही है कि देखो भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर और जबलपुर, चार तो मेन सिटीज हो गई मध्य प्रदेश की, तो ये तो याद रहेंगी। इसके अलावा एक हो गया कटनी। ओके, अब आगे बढ़ के बात करते हैं हम अनडेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड विकासित। देखो इनमें, इनको तीन कैटेगरी में बांटा गया है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। तो कैटेगरी ए में क्या क्या आता है, कैटेगरी ए में आता है देवास, होशंगाबाद, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, रतलाम, शहडोल, उज्जैन, विदिशा, सतना, नीमच, उमरिया, हरदा और शिवपुर। ओके, कैटेगरी बी में क्या आता है, कैटेगरी बी में आता है बैतूल और सीहोर, और इसकी जो कैटेगरी सी है उसमें आते हैं बालाघाट, पन्ना, भिंड, रायसेन, छतरपुर, राजगढ़, दमोह, रीवा, दतिया, शिवनी, धार, शाजापुर, गुना, शिवपुरी, झाबुआ, सीधी, खरगोन, टीकमगढ़, निवाड़ी, बड़वानी, सागर, मंडला, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, नरसिंहपुर और आगरमालवा। ओके, चलो, तो ये आपने समझ लिए कि कौन से डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कौन से अंडर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और जो अंडर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको तीन कैटेगरीज में बांटा गया था, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। कैटेगरी ए जो सबसे ज़्यादा, जिनमें कम डेवलपमेंट की ज़रूरत है, बी जिनमें थोड़े और कम, और सी जिनमें बहुत कम। ओके, चलो प्रवेश जी, गुड मॉर्निंग, क्लास का टाइम क्या है, 11 से 12। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के मेन इंस्टीट्यूशन कौन से हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के प्रमुख संस्थान कौन से हैं, संस्थान कौन से हैं। तो देखो, इंस्टीट्यूट का नाम या कॉरपोरेशन का नाम, उनका हेड ऑफिस कहाँ पे है और वो क्या काम करते हैं, ये चीज़ें समझते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसे MPSIDC कहा जाता है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो है भोपाल में, और ये कब बना था, 1965 में बना था। प्रोवाइड इकोनॉमिक्स
टेक्निकल असिस्टेंस टू लार्ज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जितने भी लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको इकोनॉमी और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है कौन, MPSIDC। और के नेक्स्ट बात करेंगे हम मध्य प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन की, ये भी कहाँ पर है, ये भी भोपाल में है और ये कब आया था, 1969 में आया था। ये हेल्प करता है कॉरपोरेटिव और जो जॉइंट वेंचर्स रहते हैं उनको मदद करता है। मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉरपोरेशन इंदौर में है ये और बना था 1951 में। जितनी भी फाइनेंशियल हेल्प होती है इंडस्ट्रीज को प्राइवेट और कॉरपोरेटिव सेक्टर्स की, सो नाम ही है देखो मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉरपोरेशन, सो फाइनेंस यानी वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराता है ये। मध्य प्रदेश स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लघु उद्योग आयोग, ओके, भोपाल में है ये, 1969 में बना और ये रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल प्रोवाइड कराता है इंडस्ट्रीज को और उनको प्रमोट करता है उनकी सेलिंग्स को मार्केट में, जो इंडस्ट्रियल मार्केट है वहां पर। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम ये कहां पर है, ये भी भोपाल में है और ये कॉटन इंडस्ट्रीज के प्रमोशन के लिए काफी प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश हैंडलूम कॉरपोरेशन लिमिटेड भोपाल में है, 1976 में बना और ये फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराता है, वित्तीय सहायता देता है जो भी हैंडलूम्स हैं और पावर लूम्स इंडस्ट्रीज हैं मध्य प्रदेश की उनको। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम नेशनल कॉटन कॉरपोरेशन ये केंद्रीय सरकार का है और ये भोपाल में है, ओके, और ये नेशनल कॉटन कॉरपोरेशन इंदौर में है। ये क्या करता है, जितने भी गवर्नमेंट ऑपरेशंस चल रहे हैं अंडर कॉटन मिल्स के अंतर्गत उनको संभालता है। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर है, भोपाल में है और जितनी भी डिस्कवरीज होती हैं, जितनी भी खुदाई होती हैं और ट्रेड ऑफ मिनरल, उन सभी का काम संभालता है कौन, मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन। मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन भोपाल में है और हेल्प करता है डेवलपमेंट की एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में। मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन कहाँ पर है, भोपाल में है। कब बना, 1977 में बना। क्या करता है, असिस्ट करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को उनके एक्सपोर्ट में, ओके। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में बने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर ये क्या करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं जितनी भी इंडस्ट्रीज रहती हैं और उनकी जितनी भी रॉ मटेरियल की नीड होती हैं उनको भी फुलफिल करते हैं। क्लियर है अभी तक, कोई परेशानी तो नहीं? गुड मॉर्निंग राहुल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी एंड गुड मॉर्निंग प्रवेश जी। चलो बात करें हम क्लस्टर्स की, कि कुछ क्लस्टर्स हैं डिज़ाइन करे गए हैं मध्य प्रदेश में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो देखो इंदौर क्षेत्र में कौन से क्लस्टर हैं, तो एक तो है पैरास फार्मास्यूटिकल, दूसरा है टेक्सटाइल, तीसरा है फूड प्रोसेसिंग और चौथा है IT ऑटो कंपोनेंट्स, ओके। भोपाल की बात करें तो भोपाल में इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, बायोटेक, हर्बल, IT और फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर्स हैं, ओके। जबलपुर में क्या है, तो जबलपुर में एक तो है गारमेंट, दूसरा है मिनरल, तीसरा है स्टोन, चौथा है फॉरेस्ट, पांचवा है हर्बल और छठवा है फूड प्रोसेसिंग। ग्वालियर क्षेत्र में क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, FMCG, इंजीनियरिंग, स्टोन और फूड प्रोसेसिंग। रीवा क्षेत्र में है मिनरल, सीमेंट फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस और सागर में क्या है, मिनरल प्रोसेसिंग स्टोन से। ये सारे के सारे जो हैं नीड्स को पूरी करते हैं, इंडस्ट्रीज को मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा और सागर। तो ये थे क्लस्टर्स, क्लस्टर्स भी पढ़ लिया आपने। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में, जैसा मुझे अभी बोला था UPSC जी ने, यस स्टडी विद गुरुजी, आई विल ट्राई इट सून, ओके। फिलहाल के लिए आप दिनेश सर की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, दिनेश सर जो हैं वो आपके सारे क्लासेस हिंदी में लेते हैं, मैं सारे क्लासेस MPGK के इंग्लिश में लेती हूँ, ओके। चलिए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, अब
खनिजों के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ते हैं हम मध्य प्रदेश में, दैट इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश एक मिनरल रिच स्टेट है। मिनरल्स में अभी हमने पढ़ा था बहुत ही अच्छे से कि मध्य प्रदेश में जो खनिज हैं, जो मिनरल है, वो बहुत सारे बहुता में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। गुड मॉर्निंग युवराज जी, गुड मॉर्निंग रघु मीना जी। ठीक है, तो इट हैज़ एडिक्वेट रिजर्व्स, जैसे कोल बहुत ज़्यादा है, जिप्सम बहुत ज़्यादा है, लाइमस्टोन और चाइना के लिए एक्सेट्रा। इसलिए जो इंडस्ट्रीज बेस्ड हैं इन मिनरल्स पे वो भी डेवलप्ड है। बात करें सीमेंट इंडस्ट्री की, सीमेंट इंडस्ट्रीज में चूना पत्थर, अब देखो मध्य प्रदेश में जो चूना पत्थर है, जो लाइमस्टोन है, वो तो बहुत ज़्यादा है, उसकी बहुतता बहुत ज़्यादा है। और सीमेंट इंडस्ट्री में जो मेन प्रोडक्ट यूज होता है वो क्या होता है, वो होता है लाइमस्टोन। ओके, और सीमेंट इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर है, तो एक है अमझेरा झार में, धार में, दूसरी है मैहर सतना में, तीसरी सबसे पहली सीमेंट इंडस्ट्री बनमोर, ये कहाँ पर है, मुरैना में है, चौथी कैमूर, ओके, पांचवी नीमच में है। और वेल नोन प्लेसेस, ये विख्यात जगह हैं सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए। आइए देखते हैं, दिनेश सर पढ़ाते हैं दीपू जी, गुड मॉर्निंग आनंद जी। चलो बनमोर फैक्ट्री की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि ये पहली थी, तो ये पहली सीमेंट फैक्ट्री है मध्य प्रदेश की, और सीमेंट की भी पहली सीमेंट फैक्ट्री है। ये 1922 में आई थी मुरैना डिस्ट्रिक्ट, कहाँ बनी थी, मुरैना डिस्ट्रिक्ट में बनी थी, और एसोसिएट थी सीमेंट लिमिटेड से। ये जो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बनाती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कैमूर फैक्ट्री की। तो कैमूर फैक्ट्री भी लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड है, पोर्टलैंड और पोरेकिन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इसका। ये कहाँ पर है, कटनी में है, और कब बना था, 1923 में बना था। ओके, ये एबिस्टिस और सीमेंट शीट्स भी बनाता है। सतना सीमेंट वर्क, दिस इज पोर्टलैंड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये, और ये सेटअप हुआ था बिरला जूट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के द्वारा 1959 में। तीसरी चीज नीमच फैक्ट्री, तो ये कहाँ पर है, यह मंदसौर में, और 1980 से 81 के बीच में बनी है नीमच फैक्ट्री। मैहर फैक्ट्री, मैहर फैक्ट्री कब बनी थी, 1980 से 1981 के दौरान बनी है मैहर फैक्ट्री। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं बहुत ही प्रसिद्ध डायमंड इंडस्ट्रीज की, हीरा उद्योगों की बात करें, तो जो डायमंड की खुदाई है सबसे ज्यादा, ये कहाँ पर होती है, पन्ना में होती है। पूरे देश का 90% हीरा पन्ना में पाया जाता है। जो डायमंड कटिंग और जो पॉलिशिंग होती है, ये इसका प्लांट कहाँ पर है, तो ये पीथमपुर में है, विजय कुमार इंटरनेशनल के द्वारा है। और ये कटिंग एंड पॉलिशिंग कहाँ होती है, पीथमपुर में होती है, और मेजॉरिटी डायमंड कटिंग जो रहती है, कटिंग की बात चल रही है, ओके, माइनिंग हो तो पन्ना है, पर कटिंग है तो ये कहाँ पर है, बॉम्बे, बैंगलोर, राजकोट और अलग अलग जगह पे डायमंड की कटिंग होती है। चाइना क्ले, चाइना क्ले का किस चीज में इस्तेमाल होता है, तो चाइना क्ले के बर्तन बनते हैं, और ये ग्वालियर, जबलपुर और रतलाम में मेनली बनते हैं। गुड मॉर्निंग आनंद जी, आनंद नरवारे जी। चलिए फायर क्ले इंडस्ट्री, तो फायर क्ले ब्रिक्स आर मैन्युफैक्चरिंग। फायर क्ले मतलब कि जो ईंटें बनती हैं वो कहाँ पर बनती हैं, तो जबलपुर कटनी क्षेत्र काफी प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश का फायर क्ले और चाइना क्ले के लिए। दोनों ही यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज होते हैं, जैसे कप, प्लेट, ट्रे, पॉट, सॉसर एक्सेट्रा, ये सारी चीजें बनाने के लिए यूज होते हैं। और इनका जो प्लांट है वो कहाँ पर है, जबलपुर और कटनी में। तो क्या याद रखोगे कि चाइना क्ले और फायर क्ले जबलपुर एंड कटनी। नेक्स्ट बात करते हैं कि वो कौन सी इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं जहां पर कॉपर और आयरन का इस्तेमाल होकर प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BHEL कहां पर है, भोपाल में है। ये हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को बनाती है, किसको किसको यूज करके, तो कॉपर, आयरन और जो अलग अलॉयज रहते हैं उनको यूज करके। वाटर वेपर टर्बाइंस बनती हैं, जनरेटर्स बनते हैं, इलेक्ट्रिक वायर बनते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स बनते हैं, स्विच गियर बनते हैं, रेक्टिफायर्स बनते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर और
रेलवे ट्रंक्शन, ये सारी चीज़ें बनती हैं कहाँ पर? BHEL में। ये प्राइवेट सेक्टर का प्लांट है यहाँ पर, और भी कई प्राइवेट सेक्टर के प्लांट हैं, जैसे लोकेटेड इन देवास। आपने BHEL से की ट्रेनिंग ली है, ओके। मैंने भी BHEL से अपनी जो मेजर ट्रेनिंग रहती है वो मैंने कवर करी है इंजीनियरिंग के दौरान, सो BHEL से मेरी भी ट्रेनिंग हुई थी, ओके। चलिए, पीथमपुर, दैट मैन्युफैक्चरिंग आयरन रिफाइनिंग, आयरन इलेक्ट्रिक वायर्स, ये सारी चीज़ें बनती हैं, ऑलराइट। चलो फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं। तो फर्टिलाइजर्स जो है, रॉक, फॉस्फोरस, ये सब कहाँ मिलते हैं? झाबुआ में मिलते हैं। और रॉक और फॉस्फोरस ये फर्टिलाइजर्स की तरह यूज होते हैं इंडस्ट्रीज में, और इनके इस तरीके के जो प्लांट है वो आपको धर्मपुरी और गुना क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे हम कोल बेस्ड इंडस्ट्री की। किसकी बात कर रहे हैं? कोल बेस्ड इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं जिनको NTPC ने सेटअप करा है और मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने सेटअप करा है, और वो कोल बहुत सारे फील्ड्स में यूज होते हैं। हेलो आशु जी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की, मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज की। तो मध्य प्रदेश में दोनों तरीके की चीज़ें होती हैं, फूड ग्रेन्स भी होते हैं यानी मोटे अनाज भी होते हैं, और साथ में कमर्शियल क्रॉप हैं वो भी होती हैं, जो ये जो इंडस्ट्रीज हैं इन्हें यूटिलाइज करती हैं एंड प्रोडक्ट जनरेट करती हैं। ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये डेवलप हैं स्टेट के, मध्य प्रदेश के अलग अलग पार्ट्स में। समझो कैसे, शुगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसका मेजर प्लांट है भोपाल शुगर मिल जो है सीहोर में, जीवाजी शुगर कंपनी लिमिटेड दालौदा डिस्ट्रिक्ट मंदसौर में है, सेठ गोविंद दास शुगर मिल ये कहाँ है? महितपुर रोड उज्जैन में है, जवारा शुगर मिल्स ये कहाँ पर है? जवारा में है। सच प्लांट आर ऑल्सो बीन सेटअप इन सारंगपुर बरलाई और अलॉट क्षेत्र में। टोटल 11 शुगर प्लांट्स हैं मध्य प्रदेश में। कितने हैं? 11 शुगर प्लांट्स हैं मध्य प्रदेश में। बात करो यदि आप राइस मिल्स की, तो राइस मिल्स जो हैं ये ज्यादातर अधिकतर छत्तीसगढ़ में हैं, कुछ मिल्स जो हैं ये ईस्टर्न मध्य प्रदेश यानी इंदौर भोपाल जबलपुर और रीवा वाले क्षेत्र में भी हैं। पल्स मिल, दालों की बात करें तो ये इंदौर उज्जैन सागर ये सारी मेन सिटी हैं जहाँ पे पल्सेसर्स यानी दाल मिल हैं। वेजिटेबल घी प्लांट्स, इसके जो प्लांट हैं ये गंज बासुदा विदिशा क्षेत्र में हैं, जबलपुर में हैं, खंडवा में हैं, ग्वालियर में हैं, इंदौर में। टोटल मध्य प्रदेश में वेजिटेबल प्लांट कितने हैं? 10 हैं। चलो स्ट्रॉ बोर्ड मिल, तो ये कहाँ पर है? शाजापुर में है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, तो मध्य प्रदेश की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में रैंक कितनी है? 3rd रैंक है। और कुल 513 टेक्सटाइल यूनिट जो हैं ये मध्य प्रदेश में हैं। सबसे बड़ी टेक्सटाइल प्रोडक्शन, कॉटन टेक्सटाइल मतलब सूती कपड़ा उद्योग की बात चल रही है, तो सबसे बड़ा ये कहाँ पर है? सबसे बड़ा है इंदौर में। और जितने भी टेक्सटाइल यूनिट हैं ये आपको वेस्टर्न मध्य प्रदेश में मिलेंगी। आप देखो वेस्टर्न मध्य प्रदेश में क्यों मिलेंगी? तो देखो मालवा को क्या कहा जाता है? कपास का कटोरा। मालवा प्लेट्यू जो है, मालवा का जो पठार है उसे क्या कहा जाता है? कॉटन बोल, क्योंकि वहाँ अधिक मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी में ही उगता है क्या? कॉटन। क्या होता है? कॉटन उगता है। अब मालवा का पठार जो है वो कहाँ पर आता है? वो आता है वेस्टर्न मध्य प्रदेश में। तो देखो जब रॉ मटेरियल वहाँ का है, जब कॉटन वहाँ पर होती है, तो इंडस्ट्रीज भी तो अधिकतर उसी क्षेत्र में होंगी। इसीलिए यहाँ पर शो किया गया है कि जितनी भी मैक्सिमम टेक्सटाइल यूनिट्स हैं वो आपको वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगी, पश्चिमी जिलों में मिलेंगी। कौन से वो पश्चिमी जिले? तो देखो इंदौर ग्वालियर उज्जैन, सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जिसे आर्टिफिशियल यार्न कहा जाता है, और ये आपको इंदौर ग्वालियर नागदा जो उज्जैन क्षेत्र का है, और प्रस्तावित है 53वां जिला बनना भी, ओके, देवास, ये सारी जगह जो है सिल्क प्रोडक्शन के लिए फेमस है, ओके। ग्रास्म मिल,
ये नागदा में है और ये बिगेस्ट प्लांट है इस सेक्टर का और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है विस्कस स्टेपल फाइबर का. ओके तो ये थी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज. अब हम बात कर लेते हैं कि एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कौन से हैं. तो पहला तो हो गया वेजिटेबल और फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट. ये कहाँ पर है? भोपाल में है. इसमें 100 times के जो फूड है वो प्रिजर्व करे जाते हैं. नेक्स्ट बायो फर्टिलाइजर प्लांट भोपाल में है. तीसरा ग्रानुअल मिक्स्ड फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ पर है? होशंगाबाद में है. पेस्टिसाइड प्लांट मीना में है. ऑयल मिल कहाँ पर है? मुरैना में है. फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज. ओके फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर इंडस्ट्रीज. ओके 60 वैरायटी के जो बैम्बूस हैं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं. बांस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, 60 प्रकार के. ओके सो उन्हीं से बनती हैं पेपर. नेशनल न्यूज़ प्रिंट और पेपर मिल, ये मैन्युफैक्चर न्यूज़पेपर मटेरियल को प्रोवाइड करती है और ये नेपा नगर में है, बुरहानपुर में है. 1948 से 1949 में ये बनी थी. नेक्स्ट सिक्योरिटी पेपर मिल, ये करेंसी पेपर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होती है और कहाँ पर है? होशंगाबाद में है. कुछ और सेक्टर्स हैं जैसे प्राइवेट सेक्टर की यूनिट है. ओरिएंटल पेपर मिल अमलाई अनूपपुर में है, भोपाल में है, रतलाम में है, ग्वालियर में है. ये पेपर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स के नाम से भी जाने जाते हैं. बीड़ी उद्योग या टोबैको इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है. लीडिंग इंडस्ट्रीज कौन सी है मध्य प्रदेश की? वो है बीड़ी उद्योग या फिर टोबैको इंडस्ट्रीज, तेंदू पत्ता. ओके और 260 प्लांट हैं मध्य प्रदेश में. इसका मेजर सेंटर क्या है? वो है जबलपुर. कुछ अदर इंडस्ट्रीज हैं जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज, तो खैरवार ट्राइब जो है ईस्टर्न मध्य प्रदेश की वो काफ़ी फेमस है कत्था के उत्पादन के लिए. खैर मतलब कि कत्था. और शिवपुरी और बनमौर जो है मुरैना में वो काफ़ी फेमस है कत्था के उत्पादन के लिए. लाख की बात करें, ये एक ट्री प्रोड्यूस है और लाख के पेड़ क्योंकि सबसे ज़्यादा उमरिया में है तो ये उमरिया में फेमस है. इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है चिप बोर्ड और पार्टिकल बोर्ड. ये कहाँ पर है? तो ये इटारसी में है और ग्वालियर में अलग अलग जगह इसके मैच स्टिक प्लांट हैं. कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और चंदेरी में ये काफ़ी प्रमुख है. जैसे चंदेरी की फैब्रिक, माहेश्वरी की फैब्रिक, बुरहानपुर, झाबुआ, ये सारी चीज़ें काफ़ी फेमस हैं. और चंदेरी की साड़ी वर्ल्ड फेमस है, बाघ प्रिंट. ओके और बागुर प्रिंट, ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है. ज्वेलरी बनती हैं बहुत सारी भाई, ग्लास की, जेम्स की, लाख की, डायमंड कटिंग की, पॉलिशिंग करके, है ना. आर्टिकल्स जो हैं खजराहों की, लीव्स की, ये सारी पेंटिंग्स, प्रिंटिंग, क्लोथ, वुडन टॉयज, फर्नीचर्स, ये सारे हैंडीक्राफ्ट में, हैंडलूम में काफ़ी प्रसिद्ध हैं. ओके अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करने जा रहे हैं जिसे कहा जाता है सेज. आपने हर जगह सुना होगा सेज सेज सेज. तो सेज होता क्या है? देखो सेज होता है SEZ. SEZ का मतलब क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन. अब जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन रहते हैं ये डेवलप करे गए हैं फॉरेन टेरिटरीज के द्वारा. ओके इंडस्ट्रीज सेटअप Here get tax exemptions on the basis of net export earning. जितनी भी net export earning रहती है उसके basis पर tax मिलता है. Okay, तो पहला सेज मध्य प्रदेश का special economic zone है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश का पहला question बिल्कुल बन सकता है, मध्य प्रदेश का पहला special economic zone क्या है? Answer करोगे क्या? पीथमपुर धार. चलो ये कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन है मध्य प्रदेश के, जल्दी इनके नाम जरूर याद रखना. जैसे मल्टी प्रोडक्ट सेस, इंडस्ट्रीज सेंटर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये कहाँ पर है? इंदौर में है. और डिस्ट्रिक्ट अब धार है. ओके मध्य प्रदेश का पहला ग्रीन फील्ड सेस है ये. एक और इनके सिर्फ नाम याद रखो मल्टी प्रोडक्ट सेस, क्रिस्टल IT पार्क इंदौर, मल्टी प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल प्लांट ग्वालियर, ITESEZ इंदौर, मेडिकेप्स के द्वारा है सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, ITESEZ
कहाँ पर है, इंदौर में, और इसमें है परश्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड न्यू दिल्ली। प्रोडक्ट स्पेसिफिक एल्यूमिनियम सेल्स, ये कहाँ पर है, सीधी में है, और मिनरल एंड मिनरल बेस्ड, ये कहाँ पर है, हरगढ़ डिस्ट्रिक्ट जबलपुर में। ओके, सो ये बात थी अबाउट द इंडस्ट्रीज। वैसे तो डेटा बहुत ज़्यादा है, इस कारण से लोग इसे छोड़ देते हैं, पढ़ नहीं पाते, पर देखो जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी थी वो रीजन मैंने आपको समझा दी है। रही बात मैप की, तो कल एक स्पेशल क्लास लेकर इस हफ्ते के जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं आपको मैप के थ्रू समझा दूंगी। बस वो क्लास का पता कैसे चलेगा, सिर्फ फॉलो करना है, फ्री क्लास है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर राजू श्रीवास्तव सर्च कर लेना। मैं जैसे ही वो क्लास पब्लिश करूंगी, यदि आपने मुझे फॉलो करा है तो अब तक मैसेज पहुंच जाएगा। ओके, दीपेश जी लेट हो गए थे, कोई बात नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो। जो लोग भी 23 से जो मेरा रिवीजन कोर्स स्टार्ट हो रहा है उसे ज्वाइन करना चाहते हैं, सो मंडे से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, एक दिन का टाइम बचा है। सब्सक्रिप्शन ये रहे, राजुल लाइव कोड यूज कर लेना तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फाइन, क्लियर दिस? ओके, अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फीडबैक फॉर्म जरूर भर देना एंड वीडियो को लाइक करो, जितने लोग भी हो शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, कॉज इंडस्ट्रीज वाला टॉपिक जो लोग छोड़ देते हैं यूजुअली टफ लगता है लोगों को, क्योंकि सिर्फ नेम है इंडस्ट्रीज के और जगहों के नाम है, पर फिर भी एक बार शेयर कर देना, शायद उनके लिए कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन हो। सो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। PDF अभी शेयर कर रही हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, सो वहाँ से ले लो और पढ़ो। ओके, चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर, ध्यान रखो, 2 बजे मिलना है। आज टॉपिक मैं अभी शेयर कर रही हूँ, क्या क्या टॉपिक होंगे आज के टेस्ट के वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी 2 बजे ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सीरीज है, भूगोल का अभ्यास श्रृंखला है, अटेंड कीजिएगा। चलिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।